الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي करनी चाहिए कि
फना का लक्का हमारे माशरे में, हमारे समाज में रात की तारीकी में आता है और शराब के नशे में धुन पड़ा रहता है और अपने घर जाता है और माँ बहन की गालियां देता है। वैसे तो नशा बहुत आम हो चुका है और आप ताज्जुब करेंगे, मैं इसी यूपी का ही रहने वाला हूं, कहीं दूर का नहीं, आप ही के स्टेट से मेरा ताल्लुक है। 31 दिसंबर 31 दिसंबर को रात के 11:55 के बाद जैसी 12 बजते हैं उस वक्त क्या हुआ, सोशल मीडिया पर आप नजर डालिए और देखिए, हमारा शहर भी इससे महफूज नहीं रह सका। किस तरीके से शराब के जाम पिए गए और 1 जनवरी किस तरीके से मनाई गई, जबकि कई तलवारें हमारी गर्दनों पर लटक रही हैं। अभी CAA का मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ, NRC का मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ, यदि बात धीरे उठते उठते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस कौम को होश नहीं आ रहा है। जश्न मनाया गया बाकायदा और लड़कों ने मनाया होता तो एक हद तक सोचा जा सकता था, लेकिन लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी शराब पी। और हम गैर मुस्लिमों की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, और मुसलमानों में भी हम और दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं, अपनों की बात कर रहे हैं, अपने भी शामिल हैं। इस बुराई ने पूरे माशरे को अपनी चपेट में ले लिया है। अब ताज्जुब करेंगे कि अभी एक सर्वे हुआ है इंडिया टुडे का, और उस सर्वे में बताया है कि हर 5 में एक आदमी शराबी है, हर 5 में एक आदमी शराबी है हिंदुस्तान का। अब सपोज फर्ज कर लीजिए कि 1 अरब की आबादी है इस देश की, इस मुल्क की, 125 करोड़ बोला जाता है, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, 1 अरब की आबादी है, 100 लाख की आबादी, 100 करोड़ की आबादी है, तो उसमें 20 करोड़ शराबी है। ये इंडिया का सर्वे बता रहा हूं मैं आपको, इंडिया टुडे का। 100 करोड़ में उसका 5वां अलग कर दीजिए, 5 में से 1 तो 20 करोड़ हो गए। 20 करोड़ में ओनली 10 करोड़ यानी आधे सिर्फ मुसलमान है, और आधे में आप चले जाइए हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में, हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन, इन तमाम लोगों को आधे में ले लीजिए, आधे सिर्फ मुसलमान। हम कहां जा रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, और अगर चिंतन नहीं किया गया, इस पर गौर फिक्र नहीं किया गया, तो माफ कीजिएगा आगे आने वाली नस्ल किस तबाही के रास्ते पर चल पड़ेगी उसका अंदाजा हम आप नहीं लगा सकते। जब इतनी बड़ी रिसर्च होकर सामने आ गई कि 10-20 करोड़ में आधे से मुसलमान हो और आधे में सारी कौमें हो, तो ये लम्हे फिक्रिया है। मैं जानता हूं कि शराब की लत जब जिसको लग जाती है तो वो जल्दी छूटती नहीं है, जल्दी नहीं छूटती। इसलिए शराब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी जब पी जाती थी और सहाबे किराम भी पीते थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फौरन शराब को हराम करार नहीं दिया। हजरत उमर फारूक जैसे जलील कदर सहाबी नबी अकरम को मशवरा दे रहे कि अल्लाह के रसूल ये शराब हमारे समाज को चौपट कर रही है, आप इसकी हुर्मत का ऐलान करिए, तो
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि आए उमर अभी नहीं, ये लोग नए नए इस्लाम ला रहे हैं, अभी इस्लाम से जुड़े हुए हैं, और शराब जो इनकी रग रग में रची बसी और पली हुई है और चली हुई है, इस शराब को यह बैध हराम करार नहीं दिया जा सकता है, वरना ये लोग कहीं पलट ना जाए, ये दम अगर हराम कर देंगे तो ये लोग कहीं इस्लाम को छोड़कर दूसरी तरफ ना भाग जाए, मुर्तद ना हो जाए। हाफिज़ इब्न कसीर ने लिखा है बिदाया व नहाया में कि 30 मशवरे ऐसे हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने दिए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मशवरे तो बहुत किए थे लेकिन 30 मशवरे ऐसे हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिजेक्ट कर दिए थे हजरत उमर फारूक के, अभी इसका वक्त नहीं आया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उमर फारूक के उस मशवरे को तस्लीम किया और कुरान में 30 आयतें ऐसी उतारी जो हजरत उमर फारूक के मशवरे के मुताबिक थी। ऐसे नहीं कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लहू कान बादी नबी लकान उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो वो उमर होते। पढ़िए हाफिज़ इब्न अल्लामा इब्न कय्यिम अल-जौज़ी की किताब ज़ादुल माद, बाकायदा उसमें लिखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए उमर, एक मक्के वालों के यहां जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको खजूर या शहद या खजूर का रस चटाने के बजाय या शहद उसको की जबान में रखने के बजाय पैदा होने के बाद जो कौम पैदा होते ही बच्चे की जबान पर सबसे पहले शराब के कतरे डालती हो, घुटी की जगह शराब पिलाई जाती हो, जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले शराब पिलाई जाती हो, दो चार पांच छह कतरे उसके मुंह में सबसे पहले शराब पिलाने जाते हो, इस कौम को आप इतनी जल्दी कह रहे हैं कि शराब आप हराम करार दे दीजिए, शराब से नस्ल बिगड़ रही है। मैं जानता हूं कि शराब नुकसानदेह है लेकिन अभी शराब की हुरमत के ऐलान करने का वक्त नहीं आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ा। शराब के सिलसिले में सबसे पहले कुरान की जो आयत नाजिल होती है वो मक्के के अंदर ये आयत नाजिल होती है, ये मक्की आयत जो मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने, शराब के सिलसिले में सबसे पहले इस मक्की आयत का नुजूल होता है, लेकिन इस आयत के अंदर भी शराब को हराम करार नहीं दिया जा रहा। वमिन समरातिन नखीली वल अअनाबी तत्तखिज़ून मिनहु सकरन वरिज़्क़न हसना, यह आयत मक्के के अंदर नाज़िल हुई है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फलों में से कुछ फल अंगूर भी हैं और खजूर के भी हैं, वमिन ज़वरातिन नखीली वल अअनाब, फलों में से फल खजूर और अंगूर, तत्तखिज़ून मिनहु सकरन जिनसे तुम नशा बनाते हो, तत्तखिज़ून मिनहु सकरन जिनसे तुम नशा तैयार करते हो, वरिज़्क़न हसना और रिश्ते हसन भी हासिल करते हो। और कीजिए एक तरफ तो अल्लाह ताला ये कह रहा है कि जिससे तुम नशा तैयार करते हो और दूसरी तरफ अल्लाह ये कह रहा है कि पाकीज़ा रिस्क भी है, रिश्ते हसन अच्छा रिस्क भी है। खजूर को जब निचोड़ दिया जाए और अंगूर के रस को निचोड़ कर और सड़ाकर शराब बनाई जाती थी तो इसको अल्लाह ताला ने सिर्फ रिज्क कहा है, और जब सड़ाए बगैर और गलाए बगैर नशा नहीं बनाकर ताजा ताजा फल इस्तेमाल किए जाएं तो इसको रिज्क हसन कहा गया। पहले मक्के वालों के जहन में एक बात डाल दी गई, ये रिज्क हसन नहीं रह गया जिसको तुमने सड़ा दिया गला दिया और जिसको तुमने सड़ाकर गलाकर नशा बना दिया, ये तुम्हारे लिए रिज्क तो है लेकिन रिस्क हसन नहीं है। रिस्क हसन तभी है जब इसको तुम ताजा ताजा इस्तेमाल करते हो, ऐसे तुम्हारे पास आता और खाते हो, ये रिस्क हसन है। पहले एक चीज इनके दिमागों में डाली गई कि जब नशा बन जाए तो वो रिस्क हसन नहीं रह जाता है, ताकि इनके दिमाग इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं शराब की शक्ल में वो कोई अच्छी चीज नहीं।
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا फलों में से अंगूर है खजूर है जिनसे तुम नशा बनाते हो। अभी हराम हुर्मत का ऐलान नहीं किया जा रहा है, अभी नहीं कहा जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर हराम कर, बस इतना कहा गया जिसको तुमने सड़ाकर गलाकर नशा बना लिया ये रिस्क तो है लेकिन रिस्क हसन नहीं है। मक्के से हिजरत करके लोग मदीने की तरफ आने लगे, शराब अभी हराम नहीं हुई। जब मदीने पहुंच गए तो अब डबल मार, जो लोग मक्के से मदीने गए वो तो शराब पीते ही पीते थे, जो लोग मदीने में रहते थे वो भी शराब के रस रसिया थे और दिलदार थे, शराब कसरत से पी जाती थी। लेकिन शराब के जो नुकसान आया होते थे और जाहिर होते थे उस पर चर्चे होते थे लोगों के, अरे शराब के नशे में ये क्या हो रहा है, हम लोग इतनी पी लेते हैं कि ये होता है ये होता है ये नुकसान वो नुकसान। तो अल्लाह के रसूल से वहां सवाल होने लगा, अल्लाह के नबी आप मक्के से मदीना हिजरत करके आए, शराब के बारे में कुछ सोचिए कुछ बताइए क्या है। मदीने में कुरान करीम की जो आयत नाजिल होती है शराब के सिलसिले में वो दूसरी आयत ये नाजिल होती है, लेकिन इस आयत के अंदर भी ये आयत मदनी है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, इस आयत के अंदर भी शराब का एक नुकसान बताया जा रहा है लेकिन शराब की हुर्मत का ऐलान अभी भी नहीं किया जा रहा है। यसअलूनक अनिल खमरी वल मैसिर قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمها اكبر من نفعهما। قرآن کریم کی اس مدنی آیت پر غور کیجئے, احساس ہوگا آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل مدینہ آپ سے سوال کرتے ہیں, یسالونک عن الخمر والمیسر یہ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں, جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ اس کے بارے میں اپنا حتمی فیصلہ سنائیے آپ کی اس میں کیا رائے ہے۔ قل تو آپ اینا اس میں کر دیجئے, آپ اعلان کر دیجئے آپ فرما دیجئے, قل فیہما اثم کبیر ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے, ان دونوں کے اندر بہت بڑا نقصان ہے, منافع للناس اور لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے یہ اور ظاہر کر دیا کہ لوگوں کے لیے شراب میں اور جوئے میں کچھ نفع بھی ہے۔ یہاں سے دماغ چکرا جاتا ہے, ایک طرف تو اللہ یہ کہہ رہا کہ کہہ دو کہ حمایت کو کبیر بہت بڑا گناہ ہے نقصان اس کا بہت بڑا ہے, ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ منافع والی الناس لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیے قرآن کی اس آیت کے ایک لفظ پر غور کیجئے, منافع والی الناس لوگوں کے لیے نفع کہا ہے, پینے والوں کے لیے نہیں, جو پی رہے ہیں اس کے لیے نہیں کہا, منافع والی الشاربین نہیں کہا, منافع والی الناس لوگوں کے لیے کچھ نشہ ہے, لوگوں کے لیے کچھ فائدہ ہے, جو شراب پی رہے ہیں ان کے لیے نہیں لوگوں کے لیے۔ اصل میں اس طرف ہمیں چلنا پڑے گا, جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے سبب ورود اور شان نزول کی طرف ہمیں چلنا پڑے گا۔ یہ آیت جس وقت نازل ہو رہی ہے عرب کے لوگ اور اہل مدینہ جب شراب کے نشے میں دھت ہوتے تھے تو ان کے شراب پینے کا مقصد